The civilized Indian. आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, नैसी मेरी भाषा होगी, नैसा मेरा कोई कदम होगा, हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, ये श्रेष्ठ का भाव लेकर के हमें चलना होगा। ये सब करना बिल्कुल पॉसिबल है अगर नेता क्रोनी कैपिटलिज्म के मॉडल से बाहर निकलकर, ये चंदे धंधे के मॉडल से बाहर निकलकर अपने देश के लोगों को देख सकें, उनका दर्द समझ सकें। आज से करीब 400 साल पहले दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा था। स्वराज जो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात करता था और लोकल विलेज लेवल पर गवर्नेंस की बात करता था। स्वराज जहां धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसा राज्य जहां हर किसी को ऊपर उठने का मौका मिले, साफ हवा हो, साफ पानी, और जहां सभी के लिए कानून व्यवस्था एक बराबर हो। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों पर आधारित मैंने इस मिशन का नाम रखा है मिशन स्वराज। महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। पहला, किसानों के लिए ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, सीड बैंक, लोकल मार्केट्स। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। चौथा, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। पांचवा, सफाई और शुद्ध हवा पानी। छठा, क्राइम से मुक्ति, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और सातवा, लोकल उद्योगों को प्रमोट करते हुए सभी के लिए रोजगार। ये सब करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और ये पॉलिटिकल विल नेताओं में तभी आएगी जब जनता इन मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट करेगी। और जनता कौन है? हम लोग हैं जनता। पास्ट में मैंने जिस भी पार्टी के लिए जो भी कहा हो अपनी ईगो साइड में रखकर भूल जाओ उसे। अब से इस वीडियो को देखकर इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा जो भी नेता करेगा, मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। ये सभी पार्टीज और नेताओं के लिए खुला ऑफर है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज लीजिए और ऑफर का फायदा उठाइए। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आपकी पार्टी जीत गई इलेक्शंस में तो इन सारे सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने का भी हिसाब आपसे मांगा जाएगा। मुझसे जितनी मदद चाहिए हो मैं पूरी कोशिश करूंगा इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करवाने में आपकी। इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए, मोदी क्या क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इनको ये मालूम नहीं है वक्त बदल चुका है जी। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।